नमस्कार दोस्तों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा और मैं बाला सुंदरी फिल्म पे लेके आता हूं नए हरियाणवी दुदुदाते चुटकुले, जिससे कि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं और आपको कुछ समय के लिए हंसा सकूं। तो मेरा ये प्रयास कैसा है तो आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो आइए चलते हैं चुटकुलों की तरफ। एक बार क्या हुआ कि क्लास के अंदर एक लड़का लड़की आपस में बैठे बातें कर रहे थे और उनकी इंग्लिश की टीचर आ गई और टीचर ने आते ही देखा भी लड़के लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। तो टीचर बोली, अच्छा तो बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, अगर दुनिया में लड़की ना हो तो क्या हो? तो भाई जो कति सब थर्ड था कति रद्दी केस, उसने सब पहले हाथ उठाया। मैडम बोली, हाँ बेटा बता, शाबाश। तो वो लड़का बताने लगा, बोले सुनो मैडम, कॉलेज वीरान, गलिया सुनसान, दुनिया परेशान, न जानू न जान, तन्हा इंसान और हर तरफ जय हनुमान। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। तो इतना सुनते ही टीचर पे हो। और क्या हुआ कि एक लाला जी प्लास्टिक सर्जन के पास चला गया और वहां जाकर डॉक्टर था बोला, अरे डॉक्टर साहब, अरे मैंने बताओ ये प्लास्टिक की जो सर्जरी करो हो इसमें कितना खर्चा आ गया है? तो डॉक्टर बोला, भाई 50,000 रुपये लगेंगे। तो इतना सुनते लाला गया, काला गया, धक्का लग गया और लाला बोला, अरे डॉक्टर साहब, अरे बताओ जो प्लास्टिक हम अपनी दे देते हो? तो डॉक्टर बोला, साले पिघला गया चक्का भी आपे लिए। एक ऑफिस था, एक सेठ की पर्सनल सेक्रेटरी अंदर से बरड़ाते हुए बाहर आई, वो गालियां दे रही थी गुस्से में। तो उसके साथी ने पूछा, भाई क्या बात हुई, ऐसे गुस्से में क्यों हो? तो सेक्रेटरी बोली, अरे मैं अंदर गई थी, साहब ने मेरे से पूछा कि आज शाम को फ्री हो? तो साथी ने पूछा फिर, बोला मैंने बोल दिया हाँ फ्री हूँ सर। तो फिर क्या हुआ? बोला साले ने 60 पेज की टाइपिंग करने के लिए मेरे को दे दी। तो भाई गुदगुदा दे चुटकले है, हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, ना कुछ मिला है तो बजाना चाहिए, जो एक टेंशन दूर करने का माध्यम बनाया गया है। आप एक बार अजमाश कर देखो। तो एक बार क्या हुआ कि शहर की छोरी की शादी गांव में होगी। oh, no. और गांव में शादी होगी तो उसकी सासू ने उस बहुत है सुबह सुबह ये कह दिया, अच्छा बेटी घेर में तो भैंस की धार काट लिया। युवा बहू घेर में गई और घेर में जाकर उसने देखा कि भैंस जुगाड़ी करने लग रही थी, भैंस का जागा रहे थे। भैंस का जागा देख कर वह बहू उल्टी कर आ गई। ससुर बोली, क्या बात हुआ बेटी, धार नहीं जाई काट गए? तो बहू छुट गई, बोली मम्मी जी अभी तो भैंस कोलगेट कर रही थी। तो भाई अकबर झंडू रास्ते में जान लग रहा और शाम का टाइम, अरे उसने खम्भे दौर के नीचे कुछ चीज पड़ी दिखी। इब झंडू ने सोचा, भाई देखो तो या क्या चीज से, उन्हें झुक कर देखा वह फिर भी ना उसकी न सही दिखी, क्यों अंधेरा हो रहा था। इब झंडू ने आंगली भर के और वह मेरी चाट के देखी और चाट दे बोलिया, धैत तेरेगी, ये तो गोबर से और शुक्र से इसमें मेरा पान ना भरे। तो भाई अमरीका में एक डॉक्टर नया नया डॉक्टरी करके आया था और उसने आते ही हिंदुस्तान में एक किताब देख ली और किताब देखते ही डॉक्टर बेहोश हो गया। वह किताब थी 30 दिन के अंदर डॉक्टर कैसे बने।